ये जी एक बुज़ुर्ग हैं काफ़ी उम्र के, तो इनका ये पीछे आप घर देख सकते हैं। तो ये इनका बेटा है छोटा छोटा, तो काफ़ी लंबी उम्र में उन्होंने शादी की थी। तो यहाँ पर जो है ना, इनकी हवेली भी आप देख सकते हैं नहीं है, तो मेहनत मजदूरी करते हैं, गुजर बसर करते हैं। तो इनको यहाँ पर एक हैंडपम्प की ज़रूरत थी, तो नल का अलहमदिल्ला जो है ना वो लग गया है। चला के दिखाओ बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये नीचे कल ही लगा है, तो नीचे से ये चीज़ें बना लेंगे। तो ठीक है ना बाबा जी, लग गया नल का। अच्छा ठीक है ठीक है, बहुत मैं गरीब बंदा मैं। जय जय हाँ ठीक है और यहाँ पर जो है ना अपना एक घर बना रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं। इनके रिसोर्सेज बहुत ही महदूद थे, तो इनको एक हैंडपम्प की जरूरत थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हैंडपम्प जो है ना वो लग गया है। ये जी इशफाक भाई हैं, लकड़ी के काम में मजदूरी करते हैं। तो इनके घर जो है ना हैंडपम्प नहीं था, तो आज जो ना अल्हम्दुलिल्लाह इनका हैंडपम्प लग गया है। हो गया जी आज? हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी ये चला नहीं है, ये चलेगा इंशाल्लाह, एक दो दिन पहले लगा है। तो ठीक है जी, जिन्हें लगवा दिए दुआ कीजिएगा। ठीक है ठीक ठीक। ये जी एक सिस्टर हैं, और काफ़ी अरसे के बाद जो है ना इनका नलका आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने लगवाया है। तो मैं आपको नाम बता दूं, तो नसरीन साहब हैं जी। तो उनकी तरफ से जो है ये नलके हैं लगाए गए, उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाए। तो ये इनका जो ना कबाड़ वगैरह चुनते हैं इनके वाले साहब, ये इनका घर है बहुत सी तंग सा। तो ये इनकी एक बेटी भी बीमार है, तो ये तकरीबन काफ़ी अरसे से ना नलका यहाँ पर ऐसा इनका लगा हुआ था कि ना पानी बिल्कुल ठीक ब्लैक कलर का पानी आता था, बहुत ही गंदा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज इनका जो नलका है वो लग गया। चलाओ चला के दिखाओ बेटा, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही साफ शफाफ पानी जो है ना अब आ रहा है। ठीक है जी ठीक है जी। कोई और बात करनी है आपने? मेहरबानी बाजी नसरीन की, उसने मेरे लिए भला किया है, और साथ में आपकी भी। मैं उनके लिए दुआएं मांगती हूँ, अल्लाह ताला उन्हें कुछ शफाए कामला अता करे। आमीन आमीन आमीन। और मेरी यही इल्तजा है कि मेरे इन बच्चों की, ये बच्ची बीमार है, इसकी कुछ हो सके तो मेहरबानी। चलो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, हेल्प करेंगे इंशाल्लाह जरूर। ठीक है। ये जी एक सिस्टर आई हुई हैं काफ़ी दूर से, और तकरीबन पिछले एक साल से जो है ये मुसलसल आ रही हैं। ये इस वजह से आ रही हैं कि इनका इलाका यहाँ से दूर है, मैं वहाँ पर जो है ना नहीं जा सकता, लेकिन इनके हैंडपम्प का मसला जब भी ये आती, मेरे पास हैंडपम्प नहीं होते थे, और अगर होते थे तो ये तब मेरे पास मौजूद नहीं होती थी। इनका कोई मोबाइल नंबर नहीं है, एड्रेस है तो काफ़ी दूर का, तो मैं नहीं जा पाया। काफ़ी बार हैंडपम्प आया लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जा सका। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हैंडपम्प भी हमारे पास मौजूद थे, और ये सिस्टर भी यहाँ पर आ गई हैं। तीन बच्चे हैं जी इसके, और इनका हस्बैंड जो इन्हें छोड़ चुका है, तो ये अकेली रहती हैं। इतनी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ जो हैंडपम्प है, पानी जैसे घर में इस्तेमाल होता है, वो तक नहीं है इनके लिए। तो आज जो है ना जी, बच्चा को पका के खवा दवा, अल्लाह खैर करेंगे। कपड़ों का कह रहे हैं जी, आटे का कह रहे हैं, तो क्योंकि खुद तो नहीं कमा सकती, तो इस वजह से ना फिलहाल तो आप ये नलका लगवा लीजिए, क्योंकि ये दूर है काफी, तो वहां पर भी नहीं जा सकता। रकम में आपके पढ़ते दूर हाँ, ठीक है जी। किराया ये बस्ती वालों से लेकर आई हैं, गांव वालों से लेकर आई हैं। तो ये रकम है बहन 15,000 रुपये, तो ये आप ले जाइए। और हैंडपम्प जो है ना, ये जो नौजवान है ना भाई अल्ताफ को मैं फ़ोन कर दूंगा, तो वो जो ना आप नलका जो ना फिर जा कर लगवा लीजिएगा आप। ठीक है जी, वो आपकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। और कोई बात करनी है आपने? बिस्तरे कोशिश करेंगे, वो भी कोशिश करेंगे। सब इंसान पट्टे पहन